नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, आज अरविंद केजरीवाल के लिए, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और तिहाड़ जेल के अंदर बंद है शराब घोटाले मामले में, उनके लिए दो बड़ी खबरें आई। एक खबर ने जहां अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को थोड़ी सी खुशी दी कि उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट में उनके मामले पर जो गिरफ्तारी और रिमांड वाली याचिका थी, जो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी बहुत सारी टिप्पणियों के साथ, उस पर आज सुनवाई शुरू हुई। उस सुनवाई के अंदर, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच के आगे जो सुनवाई हो रही थी, उसमें आज जब शुरू हुआ बहस का सिलसिला, तो उसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी। पूरी मीडिया, हम सारी मीडिया को बता रहे कि पूरी मीडिया दो चीजों, एक चीज को तो बहुत ज्यादा उठा रही है और हाईलाइट कर रही है, लेकिन दूसरी चीज को, जो अरविंद केजरीवाल के नेगेटिव के खिलाफ थी, उसको कहीं पर दिखाने की कोशिश नहीं कर रही है। हम आपको वो उसके दर्शन कराते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या गया। देखिए, सबसे पहले ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कि जो अरविंद केजरीवाल है, हम, क्योंकि ये मामला अभी लंबा चलने वाला है और क्योंकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे लिहाज में, और चुनाव चल रहे हैं लोकसभा इलेक्शन, ऐसे लिहाज में, इस लिहाज में हम लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर उन्हें चुनाव में प्रचार करने के लिए कुछ समय के लिए अंतरिम जमानत दे सकते हैं। टाइम बाउंड होगी और कंडीशन बाउंड होगी। कुछ समय के लिए उन्हें अंतरिम जमानत पर विचार कर रहे हैं, बेंच ने यह कहा, विचार कर रहे हैं। अब बदले में जो एएसजी हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, उन्होंने कहा हम इसका विरोध करेंगे, एक बात। लेकिन वहीं एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण थी और पूरा मीडिया, जिसको सचमुच मैं बहुत हैरान हूं इस बात के लिए कि पूरे मीडिया ने उस बात को कहीं या तो पकड़ नहीं पाए या कहीं उसको छिपा दिया पैसे लेकर, जिस तरीके का जो व्यवहार चल रहा। दूसरा, कई लोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, सॉरी जिनको, मैं किसी के लिए बुरा नहीं बोलना चाहता, लेकिन शायद ये नेगेटिव पॉइंट जो अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन जाएगा, इसको कैसे भूल गए मैं नहीं समझ पा रहा हूं। मैं बताता हूं, एक पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, उसने ये कहा कि जो संजय सिंह है, जो चुनाव के लिए अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर है, इसी मामले के अंदर संजय सिंह राज्यसभा सांसद, उनके मामले की एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट हमें सौंपी जाए, पूरी विस्तृत रिपोर्ट संजय सिंह के अंतरिम जमानत पर बाहर आने के बाद उन्होंने क्या क्या भाषण दिया, किस तरीके की बयानबाजी की, और खास तौर पे किस तरीके से उन्होंने कोर्ट की जो कंडीशंस थी उनकी धज्जियां उड़ाई, इसकी पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर हमें उस दिन जमा कराई जाए। इस पर भी गौर किया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत, अंतरिम जमानत दी जाए कि नहीं दी जाए। इस पॉइंट को किसी ने भी शायद नहीं हाईलाइट किया है। हम आपको बता रहे हैं कि ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो राज्यसभा सांसद संजय सिंह है, वही अरविंद केजरीवाल के गले का फंदा बन जाएंगे, फांसी बन जाएंगे, गले की हड्डी बन जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से कंडीशंस बाउंड बेल, अंतरिम जमानत जो संजय सिंह को मिली हुई है, वो जमानत जो संजय सिंह को मिली है, उसमें उन्होंने आकर जिस तरीके से सारे नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा दी, उसको लेकर एक पूरी रिपोर्ट अब ईडी को, यानी कि एसवी राजू, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है, वो अब बेंच को जमा करानी होगी। यानी कि अगर एसवी राजू संजय सिंह के खिलाफ ये सारे चीजें जमा कराएंगे जब, तो यही जो मामला है वो ग्राउंड तैयार करेगा अरविंद केजरीवाल के लिए, यानी कि अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जाए कि नहीं दी जाए, अंतरिम जमानत, सॉरी। और सबसे बड़ी बात ये अगली
सात तारीख को, 7 मई को इस पर सुनवाई होगी और उसी दिन ये सारी चीजें रखी जाएंगी। जिस वजह से अगर उनका आचरण अच्छा नहीं हुआ तो ईडी के वकील, ईडी पूरे तरीके से इस मामले को जोर शोर से अदालत के अंदर उठाएगी, जिसका जिक्र एसवी राजू ने कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे। और यही बात अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के लिए रोक देगी। बहुत बड़ी बात है, सबूत और भी बहुत सारे। अब हम आते हैं मूल खबर पर कि ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक अच्छी खबर भी है, क्योंकि बहुत समय के बाद जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उसने आज बहुत सारे सवाल ईडी से किए हैं, जवाब भी मिला है, लेकिन कई चीजों पर सोचने के लिए कहा है। जो सबसे बड़ी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह कहा कि ये जो हम इस पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला अभी और लंबा खींचने वाला है और इस बात को लेकर काफी चर्चा भी हो रही है, तो हम इस पर चुनाव के दौरान, चुनाव के लिए सिर्फ अंतरिम जमानत पर विचार कर रहे हैं और आप इस पर तैयारी करके आइएगा, एसवी राजू को यह कहा गया। तो ये आज अच्छी खबर थी अरविंद केजरीवाल के लिए, जो सचमुच ये बहुत राहत देने वाली भी हो सकती है। बेंच ने कहा कि अगर इन्हें अंतरिम जमानत अगर दी जाती है तो किन कंडीशंस पर अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दी जाए, इसके लिए भी आप तैयारी करके आइएगा। ये ईडी के वकीलों से कहा है, एसवी राजू से कहा है, क्योंकि अभी यह मामला लंबा चलने वाला है। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी अब इसमें बड़ी बात, हम कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं जो सचमुच ये इंगित करती हैं कि आज किस तरीके से पूरा मामला यहां पर हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो सबसे बड़ी बात, आपको एक छोटा सा नोट हम पढ़ के बताते हैं, जो जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को बताया कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में अभी समय लगने वाला है, समय लगने की संभावना है। बेंच ने कहा कि इसलिए अदालत अंतरिम जमानत पर जांच एजेंसी का पक्ष सुनने पर विचार कर रही है, पक्ष सुनने पर विचार कर रही है कि जांच एजेंसी इस पर क्या कहना चाहती है। इस पर राजू ने, एसवी राजू ने कहा कि वह केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करेंगे। तभी बेंच ने कहा, हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे और यह नहीं कह रहे कि अंतरिम जमानत दे देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, दोनों बातें बेंच ने कही। अब अगला जो नोट है, एक और नोट आपको बताते हैं अरविंद केजरीवाल के मामले में, जो पॉइंट हमने निकाला, वही एसवी राजू ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार बताया। उन्होंने कहा, केजरीवाल को गिरफ्तार करने का निर्णय सिर्फ जांच अधिकारी का नहीं था अभी तक। जी हां, बहुत महत्वपूर्ण ये पार्ट है, आप जरा इसको गौर से सुनिए, नोट कीजिए दिमाग में। अभी तक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की गिरफ्तारियों के पीछे सिर्फ और सिर्फ ईडी को बदनाम कर रही थी और बार बार कहती थी ईडी ने गिरफ्तार किया, ईडी ने गिरफ्तार किया। ये पॉइंट अगर सुनेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके का झूठ फैलाया जा रहा था, किस तरीके का नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी, ताकि ये सारी जो मामला है ये पॉलिटिकल रंग जिसको इसको दिया जा सके। आज एसवी राजू ने, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं और जो ईडी की तरफ से वकील पूरा मामला लड़ रहे हैं, उन्होंने आज कहा, केजरीवाल को गिरफ्तार करने का निर्णय सिर्फ जांच अधिकारी का नहीं था बल्कि एक स्पेशल जज द्वारा भी लिया गया था। स्पेशल जज द्वारा भी ये फैसला लिया गया था कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए। ये आज अदालत के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, लोअर अदालत में कहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बेंच में ये एसवी राजू ने कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर हाई कोर्ट भी गए थे, लेकिन हाई कोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद गिरफ्तारी से रोक लगाने पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यानी कि गिरफ्तारी पर जो रोक लगाने के लिए कहा गया था उस पर भी इनकार कर दिया, ये कहा एसवी राजू ने। अब इस पर
दो जजों की जो बेंच थी उसने आगे क्या कहा। जस्टिस खन्ना कहते हैं किसी का प्रतिनिधि होना सबूत नहीं है, आप गलत हैं, प्रभारी व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाता है। अब क्या यह माना जा सकता है कि उन्हें धारा 70 के तहत गिरफ्तार किया गया, यानी कि जो ईडी ने जो कार्रवाई की है वो पीएमएलए एक्ट की धारा 70 के तहत कार्रवाई की गई है जो कंपनी एक्ट में आती है और जिस वजह से पूरी आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में फंस सकती है और उसकी सदस्य जो उसकी रजिस्ट्रेशन है जो उसकी सदस्यता है वो कैंसिल हो सकती है, आम आदमी पार्टी फिनिश हो सकती है। इस पर बोला कि यह माना जा रहा है कि उन्हें धारा 70 के तहत गिरफ्तार किया गया। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी जो बचाव कर रहे थे केजरीवाल का, वो उन्होंने कहा लेकिन मेरी दलील है कि महज किसी कंपनी का नाम होने से एमडी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कोई व्यक्ति जो कंपनी का प्रभारी है अगर उसकी कंपनी कोई क्राइम करती है तो वह भी जवाबदार होगा। उन्होंने काट दिया अभिषेक मनु सिंघवी की दलील को और उन्होंने कहा कि जब कंपनी कोई गलत काम करेगी तो जवाबदेही जो है जो कंपनी का प्रभारी होगा उसकी होगी, सीएम की जो होगा। तो इसमें अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे इसमें आरोपी बनते हैं। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा क्या आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जा रहा है, तो सिंघवी ने कहा नहीं ऐसा कोई मुकदमा नहीं चल रहा। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने कहा एएसजी राजू जो कह रहे हैं वह यह है कि भविष्य में आपको आरोपी बनाया जाएगा, यानी कि आप आम आदमी पार्टी जो इस एक्ट में धारा 70 जो है पीएमएलए एक्ट की इसमें घिरेगी। ये जस्टिस खन्ना कह रहे हैं कि एएसजी राजू कह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में आपको भी आरोपी बनाया जाएगा। इस पर सिंघवी ने बोला लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर ले, ये अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं। तो जस्टिस खन्ना ने जवाब दिया किसी का प्रतिनिधि होना सबूत नहीं है, आप गलत हैं, प्रभारी व्यक्ति को जिम्मेदार माना जाता है। यानी कि जो अभिषेक मनु सिंघवी की दलील थी उसको जस्टिस खन्ना ने क्रॉस कर दिया कि नहीं ये गलत आप कह रहे, ऐसा नहीं है वकील साहब, ये तो अगर कंपनी ने कोई काम किया तो उसके लिए सीएमडी आरोपी बनेगा ही बनेगा। तो पीएमएलए की धारा 70 के तहत कार्रवाई की जाएगी ही, तो फिर आम आदमी पार्टी पर केस क्यों नहीं चलाया जा रहा और आने वाले टाइम में चलाया जाएगा, ये पक्का है। एएसजी राजू जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वो ये बात कह रहे हैं, आप इसको समझिए। कोर्ट ने अंत में एएसजी राजू से कहा कि संजय सिंह भी जमानत पर बाहर हैं, तो वह जेल से बाहर आकर किस तरीके के कमेंट्स दे रहे हैं, इस पर भी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में जमा करने को कहा है बेंच ने। यानी कि आप जो संजय सिंह हैं वो जेल से बाहर हैं और वो जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने किस तरीके का कंडक्ट किया है, किस तरीके का बिहेव किया है, इस बात की भी एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट लेकर आइएगा, बनाकर कोर्ट में जमा कराइएगा ताकि हम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर इस पर विचार कर सके, अंतरिम जमानत पर। यह बहुत बड़ा मामला आज हुआ कि 7 मई को अब इस पर सारी सुनवाई होगी, बहस होगी। और इसमें बहुत बड़ी बात यह है कि जो संजय सिंह है अगर उनका कंडक्ट अगर जेल से बाहर आने के बाद खराब पाया गया, मिसकंडक्ट हुआ, तो अरविंद केजरीवाल जेल से नहीं छूटने वाले हैं, ये हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की पूरी स्ट्रैटेजी थी वो यही थी कि जितना वैसे कोई प्रचार मत कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा कीजिए और इस बात को टारगेट कीजिए कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को गलत तरीके से चुनावों से पहले पकड़ा गया है। ये इस बात को हर आदमी के दिमाग में डालिए, जहन में डालिए। ज्यादातर जो उनके जो लोग हैं वो इसी तरीके के हैं कि वो सिर्फ इसी बात को प्रचारित करेंगे। इन बातों को छिपा गए कि एक स्पेशल जज का भी फैसला था अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का,
क्योंकि अरविंद केजरीवाल नौ सम्मान पर पेश नहीं हो रहे थे। ये सारा मामला जिस तरीके से उल्टा पड़ा है और जो पूरा का पूरा मामला जहां से ये उठाया जाना चाहिए था, ये दोनों पॉइंट चलने चाहिए थे मीडिया में, लेकिन एक पॉइंट को पूरा गायब कर दिया गया है। हम आपको बता रहे हैं कि संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बन चुके हैं और वो संजय सिंह ही अब अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। ये बात पहले से दीगर थी, जानकारी थी इनको कि अगर मिसकंडक्ट संजय सिंह करेंगे तो उस मिसकंडक्ट का जो असर है वो अरविंद केजरीवाल की जमानत पर भी पड़ेगा। तो बहरहाल अरविंद केजरीवाल के बाहर आने और ना आने पर संजय सिंह बहुत बड़ा रोड़ा बन चुके हैं और रोड़ा अटका दिया गया, लेकिन 7 मई को ये फैसला होगा। देखते हैं आगे क्या होता है कि आगे बेंच इस पर क्या फैसला लेती है। लेकिन इसके बाद भी आप एक बात गौर से सुन लीजिएगा कि अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की बात है, जमानत नहीं मिली है, अंतरिम जमानत की बात है। हम आपको एक चीज बहुत जबरदस्त आपको बताना चाहते हैं, शायद आप ध्यान करेंगे तो आपको याद आ जाएगी, क्योंकि संजय सिंह ने अपनी जमानत के बारे में आम आदमी पार्टी ने भी संजय सिंह ने भी ये कहा, एक मिथ फैलाने की कोशिश की। मैंने एक इंटरव्यू, एक चैनल के इंटरव्यू में भगवंत मान को जो मुख्यमंत्री है पंजाब के, उनको सुना था। उन्होंने कहा कि जो अदालत है उसने कह दिया, ईडी ने कहा कि इनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, आप इनको छोड़ दीजिए। ये कहा कि जो संजय सिंह है उनके बारे में ईडी ने यह कह दिया अदालत के अंदर कि इनके खिलाफ हमारे पास सबूत नहीं है, इन्हें छोड़ दीजिए। आम आदमी पार्टी लगातार इस बात को प्रचार कर रही थी, लेकिन ये गलत प्रचार था। हम आपको बता देते हैं बहुत अच्छे से, इसको ठीक सीधे शब्दों में समझिए कि एक आदमी जो इस मामले में आरोपी था उसके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, यानी कि संजय सिंह के खिलाफ, वो इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी थी। ईडी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली थी संजय सिंह के खिलाफ शराब घोटाले में, सारे सबूत अरेंज कर लिए गए थे, सारे गवाह अरेंज कर लिए गए थे, सारी चीजें 164 के सब गवाहों के बयान हो गए थे, सारे सबूतों को फाइल में तब्दील कर दिया था, केस फाइल बन चुकी थी। अब संजय सिंह से पूछताछ नहीं होनी थी। ईडी ने कहा कि हमने इनके साथ पूछताछ पूरी कर ली है, आप अब देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, जमानत देनी है नहीं देनी है, हमने पूरी कर लिया इनके इनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन थी। तो उसको आम आदमी पार्टी ने इस तरीके से उठाया कि ईडी ने ये कह दिया अदालत के अंदर कि इनके खिलाफ हमारे पास कुछ नहीं है, आप इन्हें छोड़ दीजिए। बहुत गलत मिथ फैलाने की कोशिश की जाती है, और आम आदमी पार्टी जिस तरीके से यह मिथ फैलाती है, जिस तरीके से झूठ फैलाती है, सचमुच ये बहुत झूठी और मक्कार आदमी की पहचान है कि इस तरीके के ये झूठ पब्लिक में फैलाकर किस तरीके से संपत्ति लूटने की कोशिश करते हैं। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, और अगर आप हमें हमारी खबर आपको अच्छी लगती हो तो आप हमें आर्थिक रूप से अगर मदद करना चाहें तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक और बात है आपसे जो बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे दिल के साथ आपसे कहना चाहते हैं कि कोई भी विचार हो आप प्लीज़ 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 जरूर लिखें, हम उन पर बहुत गौर करते हैं। एक व्यूवर्स के विचार को हम बहुत गहनता से पढ़ते हैं और उस पर विचार करके हम कोशिश करते हैं कि उनको हम पूरी तरीके से उस पर रिसर्च करके आपके साथ शेयर कर सकें। जय हिंद, जय भारत।